अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस स्टाइल कॉर्नर। वर्ल्ड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से डायमंड के साथ, रियल स्टोन के साथ चोकर सेट डिज़ाइन सिखाऊंगी। ब्राइडल चोकर सेट्स डिज़ाइन आप लोग आज की वीडियो में देखेंगे। मल्टीकल स्टोन के साथ मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। झुमकी इयररिंग्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट साइज़ के डिज़ाइन आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन आप देख रहे हैं। कुछ मीडियम वेट के साथ, कुछ हैवी वेट के साथ मैं आपको डिज़ाइन सिखा रही हूँ। पर्ले टेलिंग पे आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मैट फिनिश के साथ भी आप डिज़ाइन देखेंगे। ये देखें पर्स, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत से चोकर सेट डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ब्राइडल्स के लिए खासतौर पर डिज़ाइन हैं, तो व्यूअर्स वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें वर्ड्स, पीको के स्टाइल में भी कुछ डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें मैट चोकर नेकलेस सेट आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ, जिनकी इयररिंग्स के साथ, गोल्ड पॉलिश, गोल्ड के साथ, मैट पॉलिश के साथ। ये देखें वर्ल्ड्स, रूबी के साथ, पर्ल के साथ भी डिज़ाइन आपको नजर आएंगे। ओनली डायमंड के साथ भी आपको डिज़ाइन देखेंगे, कुछ सरकून के साथ भी आप लोग डिज़ाइन देखेंगे। ये देखें वर्ल्ड्स, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से रिसेंट से डिज़ाइन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रही हूँ, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।